सो गाइस वेलकम टू अनदर पार्ट जो कि था एंड्रो के अलेवल विद डिस्प्ले इन डियो। तो ये कॉन्सेप्ट ना बहुत रियर है, मतलब यूट्यूब में अभी तक कोई तहलका नहीं मचा ऐसा जो मैंने ये कॉन्सेप्ट लेके आया ना। तो मतलब बहुत मगजमारी था यार, मतलब एक हफ्ता से ना मैं एक हफ्ते ज़्यादा हो गया इसी में जुटा हुआ, इसी में जो दूसरा कोई काम नहीं कर रहा हूँ, पूरा कॉन्सेंट्रेट इसमें कि कैसा रहेगा कैसा परफॉर्म करेगा। इसलिए मैं पहला पार्ट बनाया, सब कुछ आप लोगों को दिखाई इसे इंस्टॉल करने वाला हूँ। और उसके बाद ना मैंने एक हफ्ता अराउंड एक हफ्ता इसको चलाया और इसका स्मूथनेस कैसा था सब मैंने टेस्ट किया, इसमें शॉकअप जबर कैसे काम कर रहा है, हैंडलिंग कैसा है, तो सब डिटेल में बताऊंगा इस बार। तो मतलब इसलिए मैं आप लोगों का टाइम लिया ताकि जो मिले ना आपको बेस्ट मिले और सही मिले, कोई मतलब किसी तरह का भी रॉन्ग इंप्रेशन ना जाए। जितना भी स्पेशल साइज़ है व्हील को सेंटर करने के लिए क्या क्या किया वो आपको पहला पार्ट में देख लिया, और अभी मैं बताऊँगा डिटेल में क्या क्या साइज़ है, क्या जिसका क्या चीज़ लेना पड़ेगा आपको। बट ये चीज़ ना अगर आप लोग का जैसे DOBS4 में DLX होता है जिसमें मीटर केबल नहीं होता, आगे पीछे में है अपना गियर बॉक्स में होता है मीटर सेंसर होता है, उसमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मीटर केबल में भी अच्छा है बट इसमें ना थोड़ा जुगाड़ है, बहुत मगजमारी करना पड़ता है, मीटर पिनियन मीटर गैंग इस तरह का होता है जिसमें मीटर केबल लगता है, ये व्हील में लगता है, इसको लेके थोड़ा मगजमारी है, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। बट सबसे पहले तो ये देखो आप लोग कि इसमें मैंने सस्पेंशन लगा के रखा है, और सबसे अच्छी बात क्या है ना ये अपना स्टॉक वाला टी में लग जाता है। इसका पाइप का साइज़ और इसका टी में जो पाइप लगता है उसका साइज़ सब सेम है, होंडा का ये तो डेस्टिनी का टी है। आप एक्टिवा 125 का टी में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो आराम से, बट एंट्रो का टी में इंस्टॉल नहीं होगा ये, क्योंकि एंट्रो का टी छोटा है, थ्रेडिंग भी अलग है, उसका हैंडल का लॉक भी अलग है, तो इसमें एंट्रो का टी नहीं बैठेगा। बैठ सकता है बट बैठेगा आपका ये बॉटम खोल के आप हाइड्रोलिक में जाके बॉटम खोल के इसको चेंज कर सकते हो। बट क्या होगा ना ये चीज़ ना यहाँ पे अपना डैशबोर्ड में टच होगा, ये टी का ये है ना ये सामान डैशबोर्ड में टच होगा यहाँ पे, और हेडलाइट में भी टच होगा, तो इसके लिए ये मतलब सही नहीं रहेगा एंट्रो का टी, तो इसलिए एंट्रो का टी सही नहीं रहेगा। डेस्टिनी का टी एक्टिवा का टी बढ़िया है इसके लिए, और सस्पेंशन भी मैंने लगा दिया, और अब यहाँ पे देख सकते हो आप कैलिबर भी है एंट्रो का ही कैलिबर, ठीक है डिवेस एंट्रो का है, जुपिटर का है, ठीक है, और यहाँ ब्रेक पाइप भी है, और इधर मास्टर सिलेंडर भी लगा हुआ है। अगर आप लोग ना ज़्यादा से जुगाड़ नहीं करना चाहते हो, लेथ का काम नहीं करना चाहते हो, तो आप लोग के लिए जुपिटर का एलोविल डिश वाला उसका चीज़ बेस्ट रहेगा, जुपिटर का एलोविल सही रहेगा, उसमें कोई लेथ का काम नहीं है, सस्पेंशन डालो और उसको लगा दो, क्योंकि जुपिटर का एलोविल थोड़ा छोटा है मतलब पतला है, ब्रॉड कम है, बीच का जो सेंटर हब है उसका आपका स्पेस मतलब डिस्टेंस थोड़ा कम है, एंड्रो का ज़्यादा है, इसलिए हम लोग को एंड्रो का व्हील लगाया तो थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, इस लेथ का काम करना पड़ा। तो आप लोग अगर जुपिटर का व्हील लगाना चाहते हो आप लोग लगा सकते हो, उसमें कोई इतना मगजमारी नहीं है, बट इसमें एंड्रो का में थोड़ा मगजमारी है। तो चलो मैं दिखाता हूँ मैंने व्हील में क्या क्या किया है। सस्पेंशन आप देख लिया मैंने अपना स्टॉक टी में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये एंड्रो का सस्पेंशन है। अगर आपको एंड्रो का सस्पेंशन लगाना है ना तो यहाँ पर एक चीज़ देखना, यहाँ पर एक लॉक जैसा दिया रहेगा, ठीक है, एंड्रो का सस्पेंशन या फिर जुपिटर का सस्पेंशन रहेगा, ये मेरे ख्याल से आइडिया नहीं है क्योंकि ये मेरा पूरा सेटअप लिया, पूरा सेटअप सेकेंड हैंड में लिया था तो मुझे आइडिया नहीं है, ये शायद जुपिटर का रहेगा क्योंकि यहाँ पे मीटर के लिए ना एक लॉक दिया रहता है, देख सकते हो आप यहाँ पे मीटर के लिए लॉक दिया होता है, ठीक है, एंट्रोक का में शायद ये लॉक नहीं रहेगा, ये शायद जुपिटर का रहेगा, जुपिटर का होगा ये सस्पेंशन, एंट्रो का जुपिटर सेम है बस ये लॉक का डिफरेंस है। हाँ, तो अभी आपका सामने है ना एंट्रोक का दो एलोविल है मेरे पास, एक तो मैंने कस्टमाइज करा लेद में जाके और एक स्टॉक है, उसका मैं डिस्टेंस बता रहा हूँ कितना मैं कितना गैपिंग में काटा उसको, लेद में कट किया वो सब भी दिखाऊंगा, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा सामने दो एलोविल है, ठीक है, ये अपना जो कस्टमाइज किया था हम लोगों ने ये वाला इसमें हब में कस्टमाइज़ किया था, और ये स्टॉक वाला जिसमें कुछ कटिंग नहीं है, तो इसको मैंने कटिंग किया था ना, कितना कटिंग किया मैं इसमें आपको डिस्टेंस करके मतलब मेजरमेंट करके बता पाऊँगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना इस वाइनियर कैलिवर से जिसको जो कट नहीं किया एलोविल, ठीक है, एंट्रो का जो एलोविल स्टॉक आता है उसमें मैं नाप के दिखाता हूँ इसका हाइट कितना है, एंड फिर आपको दिखाऊँगा इसका हाइट हम लोग कितना कट किया, ठीक है। तो पहले ना इस कैलिवर को ना इस तरह खोल के मैं इसका पीछे में ये बीट पर ना ये जो ऊँचा जगह ऊँचा सरफेस है इसमें लगाऊँगा, ठीक है, इसको जिस तरीके से इसे लगा के अभी मैं दिखाता हूँ ऊपर में, सो ये 102.2 mm है, ठीक है, पूरा हाइट टॉप टू बॉटम, ये डिस्क का हब जो है ना हब से लेके एंड तक 102.2 है, ठीक है। तो अभी हम लोग जिसमें कस्टमाइज़ किया ना इसमें लेथ वर्क किया है, इसका मैं नाप का दिखाता हूँ कितना है इसमें, सो 102.2 ऐसे ना 102.2 हम लोगों ने कैलकुलेटर में लिख दिया 102.2। तभी इसका नाप के देखते हैं सेम जगह पे लगा के इस बीट पे लगा के सेम, तो यहाँ पे देख सकते हो आप इसका एम एम है 92.8, इसका एम एम है 92.8 mm। अभी देख इसको माइनस करके मैं दिखाता हूँ, पहले वाला था 102.2 स्टॉक वाला, कस्टमाइज़ करने के बाद आया 92.8, 102 का साथ 92 को माइनस करके देखता हूँ कितना हो रहा है, 102.2 माइनस 92.8 टोटल कितना आया 9.4 mm हम लोग कट किया,
9.4 mm हम लोग इसमें कट किया। तो ये जो कट हुआ है ना, ये 9.4 mm इसका हाइट ज़्यादा था, तो उसको कट करके हम 9.4 mm माइनस किया। ठीक है, माइनस किया, वो भी लेथ में वर्क किया, लेथ का काम किया था। इसका फुटेज आप लोग पहला पार्ट में देख लिया था, अगर रहेगा तो इसमें भी दिखा दूंगा मैं। और इसको ना कट करने के साथ साथ ना, जब सिर्फ डिस्क जो जहाँ पे डिस्क बैठता है वो जगह पहले आपको का टाइट कट किया हम लोग, वो आपको मैंने कट किया। कट करने के बाद ना इसका जो जहाँ पे डिस्प्ले बैठता है ना, ये जगह थोड़ा हाइट है। ठीक है, इसको लॉक करने के लिए, ये जो हाइट इसको लॉक करने के लिए ये एक राउंड सर्कल होता है। ठीक है, तीन चार पॉइंट, चार पॉइंट होते हैं यहाँ पे, चार पॉइंट होता है। तो उसको भी ना थोड़ा कट करना पड़ता है, क्योंकि जब इसको 9.4 mm कट करते हो ना, हाइट उसका ऑटोमेटिकली हाइट ज़्यादा रहता है। तो इसको भी कट करके ना इतना कट कीजिए ताकि एक डिस्प्ले बैठ कर ये लॉक हो जाए, बस मूवमेंट ना करे, ऊपर नीचे कुछ मूवमेंट एक जगह में सेट रहे, इतना ही लेते वक्त का काम है। ठीक है, व्हील का होप करता हूँ व्हील का आपको समझ में आएगा। 9.4 mm आपको कट करना है इसका, और वो हिसाब से आपको डिस्प्ले बैठा के इसको मिला देना है, बस डिस्प्ले लॉक होने के लिए इतना ही कट करना है। ठीक है, एंड इसको बैठ होने के बाद ना हम लोग व्हील को सेंटर किया। व्हील को सेंटर करने के लिए ना आप लोग को बुशिंग लेना पड़ता है, अगर आपके गाड़ी में मीटर केबल है। ठीक है, तो आपको ऐसा पिनियन लेना पड़ेगा, ये जुपिटर का मीटर पिनियन है। ठीक है, जुपिटर जिसमें डिश वाला है उसका मीटर पिनियन है, डिश वाला का मीटर पिनियन है। ठीक है, उसके अंदर एक स्पेसर मिलेगा आपको कुछ इस तरह का। ठीक है, उसको भी कट करना पड़ेगा, स्पेसर ये अंदर का, उसको हम लोग कट किया। और इसको भी थोड़ा कट करना पड़ता है कुछ इस तरीके से, ऊपर का सरफेस को हम लोग कट किया कुछ इस तरीके से, देख सकते आप। अंदर में कुछ नहीं किया, अंदर में एक चीज़ किया हम लोग, मीटर को बैठाने के लिए वो दिखाऊंगा पहले। तो पिनियन को कुछ ऐसा कट करना पड़ेगा आपको, देख लो साइड साइड से थोड़ा कट करके मिला मिला के हम लोग उसको बैठाया। तो इस पिनियन को ना हम लोग इतना कट किया, आप देख सकते हो। इसका स्टॉक का तो मुझे मेरे पास नहीं है, बट इतना है इसका मैम, आप देख सकते हो यहाँ पे 27.2 mm है इसमें, इसका हाइट है। ठीक है, इसका ना जो बुशिंग था साइड साइड में रहता है डिस्टेंस जैसा। ठीक है, इसको भी कट करना पड़ेगा, ये ज़्यादा लंबा होता है। तो इसको इसका साइज़ है, ये आपका लेफ्ट साइड का है। ठीक है, लेफ्ट साइड का साइज़ है आपका। तो इस स्पेसर का साइज़ है 27.6 mm, 27.6 mm। ध्यान से सुन लो गाइस, आप लोगों को लगाना है तो मीटर ओपिनियन, तो 27.6 mm का बुशिंग लेना पड़ेगा। अगर नहीं भी लगाना पड़ा तो ये साइज़ का ही बुशिंग लेना पड़ेगा आपको, साइड में सेंटर व्हील को सेंटर करने के लिए। अगर सेंटर नहीं हुआ ना तो टायर एक साइड घिसते रहेगा, सेंटर नहीं हुआ तो। होप करता आपको समझ में आ गया। तो इसको ना कुछ इस तरीके से अंदर डालना पड़ता है, उल्टा उल्टा इसको कुछ इस तरीके से अंदर डालना पड़ता है, जो कि ऐसा सेट होता है। ये विंडो पिन इसमें जब ये व्हील घूमता है इसको घुमाता है तो आपका मीटर केबल काम करता है। ठीक है, और इसको लॉक करने के लिए ना आपको ये जगह जो देख रहे हो आप, ये जगह में दोनों तरफ देखो थोड़ा हाइट ज़्यादा है इसका, व्हील से थोड़ा हाइट ज़्यादा है। ये क्या करता है, पिनियन को लॉक करता है। पहले मैं आप दिखा था वो स्टॉक वाला में, ये कुछ ऐसा था। ठीक है, इसका हाइट भी ज़्यादा हो रहा था, ये जो ये पॉइंट है ना, ये वाला हाइट थोड़ा ज़्यादा था, जिसके चलते हम लोग का ये ना अंदर में स्ट्रच हो रहा था, तो प्लास्टिक कट जा रहा था बार बार। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कट किया पूरा इसका साइज़ का। ये पिनियन का जो ये है ना, ये घाट जो है ना, जो इसको घुमाता है, इसका साइज़ का हम लोगों ने रखा इसको पूरा एकदम एग्जैक्ट साइज़ का रखा। उसके बाद हम लोग का टच नहीं हुआ। इसको लेके ना बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा हम लोगों को ये चीज़ को लेके। तो मीटर पिनियन कुछ इस तरह का काम करता है, जब ये व्हील घूमता है इसमें ये पिनियन लॉक होता है, इस तरह से लॉक होता है। तो व्हील घूमता है, इसके साथ साथ आपको ये पिनियन घूमता है, उसका मीटर का अंदर का पिनियन और छोटा पिनियन घूमता है, उसके बाद केबल घूमता है। तो इसके चलते ना हम लोग इसको कट कर लेना आपको, ये सामान को जितना भी हाइट है उसको सरफेस को प्लेन कर देना है, कोई भी चीज़ से, ग्राइंडर से हो, ड्रिल से हो, जैसे भी आपको कट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको मीटर पिनियन आराम से बैठ जाएगा। तो इसका सेटअप कुछ इस तरह का है। तो अभी हमने इसे घिसने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था, ये पूरा सरफेस देख सकते हो आप, इस छोटा कर दिया हम लोग, इसको हाइट कमा दिया ताकि ये पिनियन आराम से बैठ जाए और लॉक हो। और जो अगर आप इसको नहीं कट करते हो ना, तो ये जिस यहाँ पे टच होगा आपका, इसका अंदर में यहाँ पे टच होगा, इसको काट देता है बार बार, घिसते घिसते ख़राब हो जाता है ये, इसलिए हम लोग कट कर दिया। अभी बिंदास चल रहा है, घूम रहा है हम लोग, इसका एक हफ्ता ट्रायल लिया इसका बढ़िया से, तो बढ़िया चल रहा है। अभी हो गया लेफ्ट साइड का, लेफ्ट साइड का जिसमें मीटर पिनियन जो साइड में पिनियन बैठेगा उस साइड का डिस्टेंस आपको पता चल गया होगा। एक बार अभी मैं आपको राइट साइड का बता देता हूँ, इसका यहाँ पे भी एक डिस्टेंस चाहिए था व्हील को सेंटर करने के लिए, उसका साइज़ मैं बता रहा हूँ अभी, जो कुछ इस तरह का छोटा सा बुशिंग है उसकी हम लोगों ने। इसका साइज़ है 14.0, इसका साइज़ है 14.0 mm। ठीक है, राइट साइड का बुशिंग का साइज़ है 14.0 mm,
इतना लेना है आपको। आप लोगों ने बहुत दोस्तों मुझे पूछ रहा था भाई एमएम में बताओ कितना मीटर चाहिए कितने इंच चाहिए। अभी मैं फाइनली ये मशीन खरीद लिया वानर के लिए पर, तो इसका मतलब सब चीज़ का एमएम बता पाऊंगा मैं। तो 14.0 mm है ठीक है, इसका राइट साइड का पूछेंगे साइज 14.0 mm जो कि यहाँ पर लगेगा व्हील को सेंटर करने के लिए। तो अभी ये पूरा सेटअप को ना मैं अपना इसमें लगा के दिखाता हूँ कि कैसे बैठेगा ये। तो सबसे पहले ना हम लोग डिस्प्ले को इसमें लगा लेता हूँ ठीक है। इसके लिए हम लोग को 12 mm का 4 बोल्ट चाहिए ठीक है। तो डिस्प्ले को बैठा के ना इसको कट करने के बाद ना ये जब कट होता है ना तो आपको कुछ छोटा बोल्ट लेना पड़ेगा इतना साइज़ का। तो इतने मिलीमीटर का बोल्ट लेना पड़ेगा आपको 27.6 mm ठीक है, ये साइज़ का बोल्ट लेना पड़ेगा आप लोगों को। क्योंकि कट होने के बाद छोटा होता है थ्रेड, आपको थ्रेडिंग नहीं करना अंदर में, बहुत लंबा थ्रेड होता है, बस छोटा बोल्ट लेना हो जाएगा। पहले लंबा था इसका साइज़, बहुत ज़्यादा लंबा था, इसको कट करके हम लोग छोटा कर दिया। तो अभी इसको लगा लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ये बोल्ट लगाने का पहले ना आप लोग को कुछ इस तरह का थ्रेड वर्क मिलता है तो इसको लगा लेना है ताकि आप लोगों का वाइब्रेशन में झटका में ये बोल्ट लूज़ ना हो जाए। सिंपल है लगाना इसमें, इस तरह से डाल के ना आपको लगा देना है। और ऐसे ऐसा फ्री होना चाहिए ना ताकि हाथ से टाइट हो जाए, हाथ से टाइट हो जाए, बाद में फिर रेंच से टाइट देना आप लोग। तो मैंने चारों को लगा दिया ना, जब आप उसको टाइट करोगे ना क्लॉकवाइज टाइट करोगे तो आपको पहले क्रॉसवाइज टाइट करना ठीक है। पहले ये उसके बाद ये, फिर ये उसके बाद ये, ऐसे करना ठीक है। ऐसे सीरियल नहीं करना, ये ऐसे नहीं करना, पहले ये फिर ये क्रॉस क्रॉस टाइट करना, ऐसा ही ऐसे ऐसा ही ऐसे ठीक है। इसको मैं टाइट कर लेता हूँ 12 मिलीमीटर इसका मदद से। तो ये कुछ इस तरह टाइट हो जाता है, थोड़ा ताकत लगा के टाइट देना पड़ता है इसको ठीक है, ताकि डिस्क को मूवमेंट ना हो। और जो लिक्विड दिया ना उससे क्या होगा ना धीरे धीरे सूख के ना ये नट को थोड़ा हल्का जाम कर देगा ताकि वाइब्रेशन में खुल के ना आ जाए ठीक है। तो अभी डिस्क बैठा दिया, अभी इसको बैठा था सस्पेंशन में क्योंकि अपने यहाँ पे। तो मीटर आपको ना मतलब पिनियन को जुपिटर का जो है इसको यहाँ में बैठा लेने का, इस तरह सेट हो जाएगा ठीक है। तो अभी इसको लगाते हैं इसमें अपना एक्सेल जो है ना, ये आपको जो एक्टिवा 125 का वही एक्सेल हो जाएगा ये साइज़ का। ये था एंड्रॉक का एक्सेल ठीक है, और ये अपना डीओ का एक्सेल, मतलब स्टॉक डीओ का नहीं, जिसमें सस्पेंशन है उसका एक्टिवा 125 का उसका एक्सेल है। तो अब देखो इतना लंबा एंड्रॉक का एक्सेल, करीबन 1.5 इंच जैसा लंबा है ठीक है, इसलिए आपको इतना छोटा एक्सेल लेना पड़ेगा। तो चलो इसको लगाते हैं अभी। झटका मारना, अभी राइट साइड का वॉशर था ना इसको लगाते हैं इस तरफ, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो अभी एक्सेल निकल चुका है ठीक है। तो अभी ये ना इसका दो 70 mm का बोल्ट रहता है, इसको लगा देना का है। इसको ना आपको फुल टाइट कर लेना ठीक है। तो अभी अपना ना कैलिपर छोड़ कर, कैलिपर यहाँ पे इसको नहीं बैठा अभी तक, बाकी मैंने डिस्क बैठा दिया, एलोविल बैठा दिया राइट साइड का और लेफ्ट साइड का स्पेसर भी बैठा दिया, इसमें मतलब मीटर पिनियन है ठीक है। तो अभी व्हील पूरा प्रॉपर सेंटर में, हम लोग इसके ना ये यंत्र का मदद से सब कुछ नाप जोक कर लिया ठीक है, पूरा सेंटर में। अभी इसको सेंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगा, बहुत मगजमारी लगा, बहुत दिमाग खटाना पड़ा इसमें, मतलब क्या बताओ लाख लाख रुपए का दिमाग खर्च हुआ है सब सोच सकते हो। तो ये दोनों अभी पूरा इक्वल है, अभी साइड से नहीं घिसेगा टायर, नहीं तो क्या होगा ज़्यादा इस सेट रहेगा तो टायर एक साइड घिस जाता है ठीक है। तो अभी लगा रहे मीटर केबल लगाने का काम, मीटर केबल लगा के मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके पहले अभी हम लोग को इसको ब्रेकिंग के लिए लगाना पड़ेगा कैलिपर, क्योंकि यहाँ पर कैलिपर में हल्का सा एक जुगाड़ है वो भी दिखा रहा हूँ मैं। अभी ये व्हील पूरा सेंटर है और पूरा फ्री है आप देख सकते हो ठीक है। तो चलो कैलिपर बैठा के दिखाता हूँ मैं आपको। जब ये लगाते हो ना आप ठीक है, तो क्या होता है डिस्क थोड़ा पीछे चला जाता है ठीक है, और इसमें थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ता है, ये जगह में थोड़ा गैप रखना पड़ता है। इसके वजह से क्या होता है ना, कैलिपर को अगर आप ऐसे नॉर्मली लगाओगे ना थोड़ा इधर चला जाता है ना, जिसके वजह से हम लोग क्या करना पड़ता है इस कैलिपर का जो जिसमें नॉट लगता है इसमें एक एक वॉशर लगाना पड़ता है, छोटा छोटा पतला पतला एक कुछ रहेगा ठीक है। दो वॉशर है, दो नट के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, मतलब ये अंदर से लगता है ठीक है, इसका अंदर रहेगा और इसका ऊपर रहेगा। हम लोग सब कुछ ट्रायल ले लिया, बट अगर बिना इसका लगाते हो ना तो क्या होगा व्हील जाम घूमेगा, व्हील पूरा जाम हो जाता है, और वॉशर देने के बाद ये परफेक्ट रहेगा। आप लोग अगर कोई मैकेनिक से कराते हो तो शायद वो लोग समझ जाएगा,
चलो अभी चलो मैं इसको लगा के दिखाता हूँ आपको। ये भी एंट्रोक का कैलिपर है और अंदर का डिस्प्ले भी एंट्रोक का ही है। तो इसमें बैठाता हूँ अभी, कैलिपर फ्रीली बैठ जाता है। तो क्या करता हूँ ना, स्नट को अंदर डाल के वॉशर देख रहे हो आप, वॉशर को अंदर डालता है, डाल के कैलिपर को ऊपर उठाता हूँ। अभी डालते हैं दूसरा वाला वॉशर जो कि नीचे होगा, इस तरह से डाल के। थोड़ा सा दिक्कत होगा इसको लगाने में आपको हल्का सा, तो दोनों 12 मिलीमीटर का नट को लगाने के बाद ना आपको उसे टाइट कर देना। आप देख सकते हो अब कैलिपर बैठाने के बाद बिल्कुल पूरा फ्री घूम रहा है। और अभी क्या करना पड़ना, इसका एक होल्डर है ठीक है, इसको इसमें लगा देना है आपको। तो ये लॉक को भी, पाइप का लॉक को भी टाइट कर दिया ताकि इसको व्हील में नॉट टच ना हो। इसका ऑप्शन आपके सामने दिया रहेगा 10 मिलीमीटर बोल्ट का। अभी ये पूरा बढ़िया हो गया, पूरा फ्री घूम रहा है, व्हील फ्री घूम रहा है, व्हील सेंटर में है, सब कुछ एंट्रोक का लगा दिया हम लोगों ने। अभी तो ये जो ब्रेक पाइप है ना ये थोड़ा मोटा है ठीक है, बाद में हम लोग ने किया थोड़ा पैसा होने से स्टील ब्रेड लाइन पाइप लगाऊंगा, थोड़ा पतला होगा इससे और हल्का भी रहता है तो उसमें ज़्यादा खिंचाव नहीं पड़ता। इसमें क्या होता है थोड़ा इधर उधर खींचता है पाइप, क्योंकि ये पाइप बहुत ज़्यादा मोटा है, इसका कवर भी अलग टाइप का चल रहा है। ये रबर ब्रेड लाइन है और हम लोग बाद में लाएंगे स्टील ब्रेड लाइन जो कि सबसे बेस्ट है। तो अभी इधर चल रहा है मीटर केबल लगाने का काम, तो ये उन्होंने मीटर केबल भी लगा दिया ठीक है। यहाँ पर ये मीटर केबल है, ये पूरा मीटर केबल जाके अपना मीटर, यहाँ पर मीटर में गया है, लग चुका है यहाँ पर। तो अभी प्रॉपर सेट है, अभी बहुत सारा काम है इसमें, वाइजर वाइजर नहीं लगाऊंगा हम लोग इसमें, क्योंकि वायरिंग चेंज करना पड़ेगा, बहुत मगजमारी, क्योंकि वायरिंग का थोड़ा लोचा है, ख़राब हो चुका है, तो 2 दिन से वायरिंग में लगा था, काम नहीं हो रहा था, तो इस बार सोचा कि वायरिंग सेट ही चेंज कर दूंगा। और बाकी इसको लगाना प्रोजर होप करता आपको समझ में आ चुका होगा, और आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो इंस्टाग्राम में DM कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया रहेगा, इंस्टा का ID दिया रहेगा, आप लोग वहाँ पर जाकर कमेंट कर सकते हो, चाहे तो फॉलो भी कर सकते हो। और अभी मैंने आपको ब्रेक टेस्ट करके दिखाता हूँ, एक बार चक्का घुमा के ब्रेक मार, एक बार घुमा के ब्रेक मार के दिखाता हूँ, देख सकते हो आप ब्रेक भी अच्छा सा काम कर रहा है। तो मैं अपने आपको टेस्टर लेके दिखाता हूँ, बट उसके पहले ना देखो ये कॉन्सेप्ट पहली बार मैं YouTube में लेके आया हूँ, तो आप लोग अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ठोक के जाना। तो अभी सब कुछ रेडी हो चुका है, हम लोग का सेटअप रेडी हो चुका है, तो मैं भी ट्रायल लेके दिखाता हूँ कि कैसा परफॉर्म वर्क कर रहा है, सस्पेंशन कैसा है, स्मूथनेस कैसा है, सब दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको ना 1 वीक यूज़ कर लिया ऊपर, अभी मुझे कुछ भी ऐसा डिफेक्ट नहीं लगा, बट अभी सब वाइजर वाइजर लगाना, अभी तो मैं ऐसा खुला रहा हूँ कि इसमें अभी बहुत सारा काम है, इसके लिए मैं इसको खुला रखा हूँ, वाइजर बाद में फिट करूँगा, क्योंकि इसमें और 2 दिन जैसा काम करना है हम लोगों को, उसके बाद ही मैं इसको फुल वाइजर लगाऊंगा। अभी बिना वाइजर के मैं आपको सब दिखा दिया कि कैसा कनेक्शन वगैरह, मतलब कैसे कनेक्ट करना है, कौन सा बोल्ट चाहिए, कैसा MM चाहिए, आपको सब समझ लेना वीडियो को देख के। एक बार नहीं 10 बार देखना, नहीं समझा तो एक दो बार 3 बार देख लेना, तब आपको समझ में आएगा अगर ऐसा आपको लगाना है। और अगर आपको कुछ मगजमारी नहीं करना, जुपिटर का लगा सकते हो आप, जुपिटर का डिस एलोविल बढ़िया से फिट हो जाएगा। और एंट्रोक का है ना, तो थोड़ा एंट्रो का लगा दो, थोड़ा मगजमारी करना पड़ेगा। और एक चीज़ क्या है ना, अगर आपका मीटर केबल आगे में, अगर आपको मीटर केबल है तो थोड़ा मुश्किल होगा लगाने में, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट अगर पीछे से अगर सेंसर से काम करते मीटर आपका, तो उसमें बढ़िया एकदम A1 होगा, इसमें कनेक्शन वगैरह मतलब सब बढ़िया से कर सकोगे आप। चलो इसको मैं एक बार ट्रायल लेके दिखाता हूँ, तभी मैं इसको चला के दिखाता अभी। और ब्रेकिंग देखना कैसा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ब्रेकिंग वगैरह सब बढ़िया है, मैं चला के देख चुका है, तभी मैं इसको अभी ब्रेकिंग मतलब आपका सामने के चला के दिखाता हूँ कैसा परफॉर्म कर रही है। बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और ब्रेकिंग भी सबसे बढ़िया हो चुका है, मतलब
बहुत अच्छा हो चुका है। ड्रम ब्रेक का मुकाबले तो बहुत ज़्यादा अच्छा डिस्क ब्रेक, तो बस एक चीज़ है ना, एक कॉम्बी नहीं होगा शायद मेरे ख्याल से। अगर बाद में कभी होता है तो मैं इसका वीडियो बना दूंगा, बट कॉम्बी के लिए अभी तो थोड़ा जुगाड़, बहुत ज़्यादा जुगाड़ करना पड़ेगा कॉम्बी ब्रेक के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिंगल पिस्टन है। अगर शायद से कुछ लगाना पड़ सकता है बीच में अगर कॉम्बी करता हूँ, तो देखता हूँ अगर कॉम्बी होगा तो जरूर से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बट अभी कॉम्बी नहीं है, दोनों सिंगल सिंगल हम लोग का ब्रेक पाइप, ये फ्रंट का है ये बैक का है, ठीक है, दोनों सिंगल सिंगल पाइपलाइन। पीछे का भी आप लोग जिसका वीडियो नहीं देखा होता डिस्क्रिप्शन बॉक्स या चैनल पर लिंक आ रहा होगा, देख लेना जाके। तो ये था कुछ सेटअप हम लोगों का डियो में एंट्रो कैलोविल, जो कि यूट्यूब में फर्स्ट टाइम था और बहुत बंदों ने किया बट वीडियो नहीं बना, रिवील नहीं किया, बट मैं आप लोगों के सामने रिवील कर रहा हूँ इसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसा प्रोसेसर रहेगा, ठीक है। आपको ऐसा कोई बताएगा नहीं, कोई भी मतलब इतना डिटेल में बताएगा नहीं कि कैसे इंस्टॉल करना है कैसे नहीं करना है, तो मैंने इसमें वीडियो में सब बताया डिटेल में, तो आप लोग चाहे तो लगा सकते हो आराम से, पर थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा। ऐसा देख के ना जलने वाला आपको बहुत मिल जाएगा और पूछने वाला भी और लाइक ठोकने वाला भी बहुत सारा मिल जाएगा। तो होप करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा और कैसे सच्ची बोल रहा है सब ना, बहुत ज़्यादा मेहनत काम था इसमें, एक पूरा कॉन्सेंट्रेट ना इसका ऊपर ही था, एक हफ्ता 10 दिन से पूरा एक कॉन्सेंट्रेट था। तो यूट्यूब में फर्स्ट टाइम है, ठीक है, तो आप लोग भी फर्स्ट व्यू हो रहा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा दूर नहीं है 50K का पास पहुंचने में, अभी 16,000 हो चुका है, तो आप लोगों का मैच ना 50K जल्दी से करा दो गाइस, क्योंकि ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट लाता आप लोग हमेशा, कुछ डिफरेंस सोच के ऑर्डर से अलग कॉन्सेप्ट लाता आप लोग हमेशा, हमेशा यही सोचता हूँ। तो प्लीज़ यार मुझे सपोर्ट करो, आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो, ये मेरा चैनल आपका ही है, आप लोगों के लिए सब वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। यार वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, कुछ भी पूछना तो कमेंट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके फॉलो कर सकते हो, फॉलो करके कुछ भी कमेंट करना डीएम करना पूछ सकते हो, मैं एक्टिवेट रहता हूँ हमेशा कमेंट में, नहीं तो मैं इंस्टा में जरूर से आपको रिप्लाई दे दूँगा, कि कमेंट पढ़ने में टाइम लग जाता है, पर इंस्टा का डीएम करते हो ना तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। तो चलो मिलेंगे इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ, अगर आपको छोटा मोटा कुछ आइडिया रहे शेयर करना, बड़ा बड़ा सब तो मैं खुद सोच के लेके आता हूँ, छोटा मोटा आइडिया शेयर करना तो मैं इसमें वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलो मिलेंगे किसी और नए ट्रिक का साथ, नए आइडिया का साथ, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, मिलेंगे जल्दी वीडियो में, जल्दी वापस, सभी के लिए बाय बाय।